वाह वाह जी वाह, आज हम घूमेंगे। हाँ जी हाँ क्योंकि सैर पर जाएंगे तो देखेंगे, और देखेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो समझेंगे। तो चलिए मेरे साथ एक मजेदार सैर पर, जहाँ शुरू होगी हमारी आज की कहानी। महाराज, ये आवाज वहाँ से आ रही है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये तो कोई बूढ़ा ब्राह्मण है, उस बेचारे को उस मगरमच्छ से छुड़ाना होगा। बचाओ। अरे ये क्या, ये तो कोई मायावी राक्षस है। मुझे महाराज को बचाना होगा। अरे ये बैल मेरी तरफ से क्यों आ रहा है? लगता है ये उस राक्षस की माया है। ओ, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे अपनी अंगूठी की मदद लेनी चाहिए। रे अंगूठी, जल्दी से आ यहाँ। उठा के महाराज को वो राक्षस आखिर गया कहाँ? अरे क्यों है तू चुपचाप खड़ी? जल्दी से बता, निकली जा रही है घड़ी। अरे ये तो बता ही नहीं पा रही है कि वो राक्षस महाराज को कहाँ ले गया। ओह, ये कैसी पहेली है। अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। अब तो मुझे कुछ और ही उपाय सोचना होगा। कहो मुंजा, हमें कैसे याद किया? देवी, मेरे महाराज विक्रम मुसीबत में हैं। एक राक्षस उन्हें उठाकर न जाने इस जंगल में कहां ले गया। ठीक है मुंजा, हम अभी दिव्य दृष्टि से तुम्हें महाराज के बारे में बताते हैं। मुंजा, महाराज विक्रम को एक ब्रह्म राक्षस उठाकर ले गया है। मैं कहाँ हूँ? तुम मेरी कैद में हो विक्रम। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं ब्रह्म राक्षस हूँ और मुझे तुमसे वो गुप्त मंत्र सीखना है जो काली माता ने तुम्हें दिया था। मेरे जीते जी वो मंत्र मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तो ठीक है विक्रम, मर के ही बता दे। वो महाराज विक्रम से कुछ गुप्त मंत्र जानना चाहता है, जिससे कि वो उन मंत्रों का उपयोग करके संसार पर विजय पा सके।
और उसे खत्म करने के लिए तुम्हें उसके प्रतिबिंब को नष्ट करना होगा। अब हम चलते हैं, काली माता तुम्हारी मदद अवश्य करेंगी। तो ये है वो बरगद का पेड़। हाँ, बड़ा ही लंबा पेड़ है ये तो। चलो जरा इसकी लंबाई नापी जाए। ये तो बादलों के पार जा रहा है। तो ये है वो जगह। लेकिन महाराज विक्रम कहाँ है? महाराज, गुंजा, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन इन्हें जलाया तो जा सकता है। गुंजा, हमें इस राक्षस को खत्म करना ही होगा। वो मुझसे माँ काली का दिया हुआ गुप्त मंत्र जानना चाहता है। मैं सब जानता हूँ महाराज। उसे खत्म करने के लिए हमें उसके प्रतिबिंब को नष्ट करना होगा। लेकिन उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा कहाँ? मुंजा, यहाँ उसे मारना असंभव है। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ से निकलोगे? यहाँ से? हाँ, वो भी मेरे होते हुए? असले दुष्ट राक्षस, असले। लेकिन याद रख, अब तेरी मायावी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मुंजा यहाँ आ गया है। ये तो और भी अच्छा हुआ विक्रम। अब तुम दोनों को मैं बंदी बनाऊंगा और इस मुंजा से भी इसकी सारी विद्या जान लूंगा। दुष्ट, तूने महाराज पर वार किया है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो अब ये चूहा भी मुझे धमकी देगा। आजा, आजा चूहे, आजा, आजा। अरे अरे अरे, मुझे गुदगुदे क्यों कर रहा है चूहे? तेरे इन घूसों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बेटा, गुस्सा क्या होता है? अब मैं तुझे दिखाता हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। बहुत हो गई तुम लोगों की कबड्डी, अब असली खेल मैं खेलूंगा। असली खेल मैं खेलूंगा। यम राक्षस, यम पूरी जाने के लिए तैयार हो जा। नहीं, नहीं, रुको, नहीं, नहीं।
मुंजा, तुमने एक बार फिर मेरी मदद की। क्यों, कैसी लगी आज की कहानी? मित्रों, आप लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे और जब देखेंगे तो हो जाएंगे महाराज विक्रम के दीवाने।